पेरिस ओलंपिक में एक बहुत बड़ा विवाद हो गया है। एक पुरुष बॉक्सर को महिला बॉक्सर से भिड़वा दिया। इस बात का अंदाजा महिला बॉक्सर को तब हुआ जब पुरुष बॉक्सर ने महिला बॉक्सर को पंच मारा। यह पंच ऐसा था जैसा उस महिला बॉक्सर ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं खाया। महिला बॉक्सर को ऐसा लगा जैसे उसकी नाक ही टूट गई है। फिर क्या हुआ, मात्र 46 सेकंड में महिला बॉक्सर ने मैच बीच में ही छोड़ दिया और हार मान ली। चलिए आपको पूरी डिटेल बताते हैं, लेकिन आप हमारे चैनल पर नए हो तो फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए। दरअसल ये मुकाबला गुरुवार को इटली की एंजिला केरिनी और अल्जीरिया के ईमान खलीफ के बीच हो रहा था। आप देखिए, ये ईमान खलीफ है, अब आप ही बताइए कि ये कहां से महिला लग रहा है। अब आपको बता दूं कि इस खिलाड़ी को एक साल पहले इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन IBA ने जेंडर टेस्ट में फेल कर दिया था। IBA ने ईमान को पिछले साल दिल्ली में हुई विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के गोल्ड मेडल मैच में भी नहीं खेलने दिया था। अब ओलंपिक में ईमान का पहला मैच जीतने के बाद सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं कि रिंग में महिला के सामने पुरुष को क्यों उतार दिया गया। IBA ने भी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC पर सवाल उठाया है। IBA ने कहा है कि IOC नियमों का उल्लंघन कर रही है। महिला खिलाड़ियों के साथ न्याय और उनकी सुरक्षा को दरकिनार किया गया है। अब इस पूरे मामले पर एंजेलाना का भी बयान आया है। एंजेला ने कहा है कि मैंने कभी ऐसा मुक्का मेरी जिंदगी में नहीं खाया। मैं यहाँ जज नहीं हूँ, ये मैच सही है या गलत ये फैसला करना मेरा काम नहीं है। तो दरअसल ये विवाद अब हो गया है और ये विवाद कहाँ तक जाएगा ये तो वक्त बताएगा। आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इस मैच के बारे में आप क्या सोचते हैं, और ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप उम्मत टाइम्स को फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। जय हिंद।